चेहरे पर अगर बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं, कालापन है, एजिंग ज्यादा दिखाई दे रही है, बुढ़ापा, झाइयां और झुर्रियां ज्यादा दिखाई दे रही हैं, तो आज की इस क्रीम को बना के लगाना शुरू कर दो। रोज रात को लगा लो, चेहरे के बुढ़ापा तो दूर होगा ही, कलर इतना ज्यादा ब्राइटन अप कि हर कोई पूछेगा क्या लगा रहे हो। ड्राई स्किन के ऊपर रिंकल्स, फाइन लाइंस, झुइयां, झारियां ज्यादा दिखाई देती हैं। अगर आप अपने झाइयों से, झुर्रियों से परेशान हो गए हैं और स्किन को एक्स्ट्रा शाइन देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ग्लो देना चाहते हैं, तो अपनी स्किन के ऊपर रेगुलर तौर पर मॉइस्चराइजर जरूर लगाइए। आपकी स्किन के ऊपर जब मॉइस्चराइजर रहता है, आपकी स्किन प्लम्पी लगती है, हाइड्रेट लगती है, स्किन के ऊपर एक सपलनेस दिखाई देती है, एक आपकी स्किन के ऊपर एक जो नेचुरल वाला ग्लो होता है वो आपको दिखाई देता है। वहीं अगर आपकी स्किन ड्राई दिखेगी, सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि ड्राई स्किन के ऊपर अगर हम मॉइस्चराइज करना भूल जाते हैं, क्रीम नहीं लगाते हैं प्रॉपर मात्रा में, तो हमारी स्किन के ऊपर क्रैक्स पड़ते हैं, रिंकल्स पड़ते हैं, स्किन इतनी ज्यादा हार्ड हो जाती है कि पपड़ियां बनके निकलती हैं। बहुत लोगों के आपने देखा होगा गाल एकदम लाल लाल गट्टों के जैसे लगते हैं। आज आप किसी से मिलने गए सर्दियों में और उनके गाल आपको लाल लाल दिख रहे हैं, तो आप तो यही बोलेंगे वाह यार किन्नी लाली है तेरे मुंह पे। जब आप 2 से 3 दिन बाद उनके पास जाते हैं तो उनकी वही वाली रेडनेस ब्लैकनेस में तब्दील हो जाती है, यानी कि उनकी स्किन के ऊपर वो जो स्किन है, वो जो लाल लाल वाली गट्टों वाली स्किन थी, वो कन्वर्ट हो जाती है डार्कनेस में, ब्लैक पड़ जाती है, चिप्स पड़ जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं। उनको वो लोग ज्यादा अच्छे से समझेंगे जो लोग इन चीजों को जूझते हैं। एक्चुअली मैं क्योंकि नॉर्थ से हूँ, दिल्ली से हूँ, तो मुझे पता है कि ये सब चीजें होती थी। हम अपना फेस पूरा कवर अप कर लेते थे, मतलब पूरी बॉडी कवर कर लेते थे, लेकिन फेस तो ओपन रहता था, तो जो हमारे गाल होते थे यही फट जाते थे और यहाँ पर क्रैक्स पड़ते थे, बाद में बहुत जलन होती थी। तो अगर आप भी इन सब चीजों से जूझते हैं तो आपको अपनी स्किन को एक्स्ट्रा हाइड्रेशन देना चाहिए, मॉइस्चराइज करके रखना। आज जो मैं क्रीम आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है जी ऐसी क्रीम जिसको हर गांव खेड़ा की लेडीज भी बना सकती हैं। आप पेंडू से पेंडू एकदम, जैसे होता है ना, एकदम ठेठ गांव में भी अगर रहते हैं तो भी आप इस क्रीम को बना सकते हैं। देखिए आजकल यूट्यूब क्या है, हर गांव खेड़ा में पहुंचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरों में ही लोग हमारी डीआईवाईस को देखते हैं, करते हैं। एकदम जो ठेठ गांव में रहते हैं वो लोग भी हमारी डीआईवाईस को करते हैं, क्योंकि सामान एकदम सीमित होता है हम लोग के पास में, जो लोग गांव में रहते हैं, तो उनको क्या होता है, उसी चीजों में ही उनको सामान बनाना भी होता है और अपनी स्किन की केयर भी करनी होती है। कौन कौन इस बात से एग्री करेगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना, आप कहां से देख रहे हो मेरा वीडियो, ताकि लोगों को रियल में लग सके कि यस, जो एकदम ठेठ गांव होते हैं वहां से भी लोग डीआईवाईस देखते हैं, क्योंकि डीआईवाईस हम लोग यूट्यूब के ऊपर देखते हैं और यूट्यूब आजकल हर किसी के हाथ में अवेलेबल होता है। फेसबुक के ऊपर भी देखते होंगे, जरूरी नहीं आप यूट्यूब पे देखें, मैं तो मेरे वीडियोस फेसबुक के ऊपर भी डालती हूँ। हो सकता है आप फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब नहीं चलाते हो, तो वहां से भी आप लोग देखते होंगे। तो प्लीज एक प्यारा से कमेंट के साथ में आपने मुझे बताना है आप कौन से गांव से मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। तो ये तो हो गया जी वीडियो देखने की बात, डीआईवाई बनाने की बात। इसमें जो सामग्री डलती है वो इतनी इजी आप अपने घरों से ले सकते हैं जिनको आप रेगुलर यूज करते हैं। और आज ये जो क्रीम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मैंने इसको इस बाउल में बनाया है, लेकिन आप इसको किसी कांच की कंटेनर में बना के रख सकते हैं। मेरे पास ये छोटा सा कंटेनर बड़ा सुंदर सा है, एक्चुअली मुझे ये अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं रेगुलर इसी में बना रही हूँ और इसी में ही फ्रिज में रख देती हूँ, लगाती हूँ खत्म हो जाती है, वापस इसी में दूसरी क्रीम बना लेती हूँ। तो मुझे बड़ा प्यारा सा ये कंटेनर लग रहा है, कांच की बाउल लग रही है एक्चुअली। तो मैंने क्या किया, इसी में ही क्रीम बनाई है, आप बना के किसी कांच की बॉटल में रख लीजिएगा। इसमें जो इंग्रेडिएंट डले हैं वो इतने सिंपल हैं कि आप इसको कभी भी किसी भी टाइम पे आप बना के रेडी करके अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। मान लो आज आपने कहीं जाना है, आपके पास क्रीम नहीं है, मॉइस्चराइजर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, भैया क्रीम तो चाहिए, झटझट उठो, फटफट बना लो, लगा लो, अप्लाई कर लो, निकल जाओ, स्किन इतनी ज्यादा शाइन करेगी, इतनी ज्यादा लाइटें मारेगी कि मैं क्या कहूँ। मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे, बहुत सारी क्रीम्स मुझे बताई गई कि दी हम ये क्रीम लगाते हैं, हम क्रीम लगाते हैं, तो मैंने सोचा चलो एक बार चल के जरा इनको देखा जाए। तो मैंने कुछ एक क्रीम्स खरीदी जो कि आप देख ही रहे हैं। इन क्रीम्स को मैंने खरीदा और इनके पीछे जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि भैया इनसे अच्छे तो मेरे डीआईवाईज ही हैं, जो मुझे भरपूर रिजल्ट तो देते हैं और साथ में कोई साइड इफेक्ट नहीं देते हैं। तो ये क्रीम हमारी बनके तैयार है, इसको लगाना कैसे है, बनाना कैसे है, सारा का सारा मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर करना है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कोई मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एक थंब को यूज में लाना है, यानी कि लाइक देना है मेरे वीडियोस को, ताकि आगे तक मेरे वीडियोस पहुंच सके। शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और सब्सक्राइब के बटन को आपने प्रेस करना है विद बेल आइकॉन, ताकि फ्यूचर के जितने भी वीडियोस है वो आप देख सके। और आप मेरी फैमिली का हिस्सा होने के लिए सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा ना यार, सब्सक्राइब नहीं करोगे कहां से इतने अच्छे अच्छे वीडियोस देख लोगे।
ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, बस इतना सा काम करना है और उसके बाद वीडियो को पूरा वॉच करना है, क्योंकि जब हम पूरी चीजें बता रहे होते हैं उसकी डिटेलिंग भी आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आपको पता चल सके जो भी हम इसमें इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं उसके आखिर यूजेस क्या क्या हैं। हम ऐसे ही तो डालने देंगे अगड़म शगड़म, ये डाला वो डाला, हो गई जी क्रीम तैयार। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। बहुत लंबी चौड़ी उसके पीछे रिसर्च होती है, अप्लाई किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि हमें चीजें सारी की सारी सूट ही कर जाती है। जो सूट नहीं करती है, जिसमें कुछ गड़बड़ होती है, उनको हम फिर फिक्स करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पर मेरे पिंपल आया हुआ है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि चीज लगाने से आया हो, सकता है मैंने कुछ गड़बड़ खा लिया हो सकता है मैंने प्रॉपर नींद ना ली हो सकता है कुछ डर्ट पोल्यूशन ज्यादा रह गया हो और मैंने उसको वॉश की वजह से पॉपअप आ गया हो। डिटेलिंग में वीडियो जब आपको पता चलती है ना, तो आप उन चीजों को किसी और चीज के साथ में भी, जिसके साथ में वो डायल्यूट हो सकती है, उसके साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो वीडियो को देखना है पूरा, अंडरस्टैंड करना है, और जब आप क्रीम बनाने बैठे तब आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है कि कितनी चीज कितने प्रिपरेशन में आपने लेनी है। तो स्टार्ट क्रीम बनाने के लिए हमें लेना है कोई भी एसेंशियल ऑयल, जैसे कि मैंने लिया है ऑलिव ऑयल। ये मैंने केमिस्ट की शॉप से लिया है और ये प्योर है। ऑयल्स में पाई जाती है भारी मात्रा में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। अगर आपकी स्किन, सपोज करिए बहुत ज्यादा ड्राई है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा खिंचती होगी, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स और फाइन लाइंस ज्यादा दिखती होंगी। ये मेरे से ज्यादा बेहतर आप जानते होंगे अपनी स्किन के बारे में। वहीं अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो आपको अपने किसी भी रेमेडी में या क्रीम में ऑयल की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम करके वॉटरी फॉर्म्स को ज्यादा बढ़ाना होगा। जैसे कि ऑलिव ऑयल की, अगर आप जैसे ऑयली स्किन है, तो आपको ऑयल्स की क्वांटिटी कम करके उसमें आपको एलोवेरा या फिर जो रोज वाटर इनके साथ में मिक्स किया जा रहा है, उसकी आपने क्वांटिटी बढ़ा देनी है, लेकिन ऑयल को आपने स्किप नहीं करना है। ठीक है, अब हम डालेंगे जी ऐसी चीज जो हर गांव खेड़ा में मिलती है, जैसे कि बताया कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल। ये आपको कहीं पर भी बहुत आसानी से मिलता है। ये हमारे स्किन के ऊपर एक बैरियर तैयार करता है, एक लेयर तैयार कर देता है प्रोटेक्टिव होने के लिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा इनहाइड्रेट रहती है, तो नारियल का तेल आपकी स्किन को रेस्क्यू करेगा। इसमें पाई जाती है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, जो आपकी स्किन के ऊपर बनने वाली इरिटेशन से आपको निजात दिलाती है। कोलाजन को बूस्ट करती है, हमारी स्किन के अंदर कोलाजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करती है, जो कि मेनली कॉज होता है हमारी स्किन के ऊपर ड्राइनेस और बुढ़ापे को लेकर आने का। तो नारियल तेल आपकी इन प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाता है। अब क्योंकि हमें कुछ इसमें पार्ट विटामिन सी का भी चाहिए था, तो मैंने इसमें यूज किया है फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी दाना। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम लोग जानते होंगे कि विटामिन सी पाया जाता है मेथी दाना में, जो कि लाइटन करता है आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को। अगर आपका स्किन टोन बहुत ज्यादा डार्क है, तो आपको नारियल तेल के साथ में मेथी दाना का सही यूज अपनी स्किन के ऊपर करना चाहिए, जिससे ना सिर्फ आपकी स्किन के काले दाग धब्बे दूर होंगे, बल्कि आपकी सांवली त्वचा फेयर होती जाएगी। फेयर होने के साथ में, ब्राइटर होने के साथ में आपकी स्किन क्लीन होगी। स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे होंगे, उनको मेथी दाना नारियल के साथ में बहुत आसानी से हटा देता है। अब मैं इसमें डाल रही हूं जी क्लोव। हाँ जी, मुझे याद आ गया, क्लोव यानी कि लौंग, क्योंकि पिछले दिनों मैंने वीडियोस बनाए हैं तो मैं भूल जाती थी इसका नाम। तो ये है जी लौंग, जो कि आपको इसके हेड के साथ में लेनी है। इसका हेड अलग नहीं होना चाहिए, हेड के साथ में ही आपने 4 क्लोव 15 दिन की रेमेडी के लिए यूज करनी है। अब हम कोई भी क्रीम बनाएं और उसमें कोई ऐसी चीजें ना डालें जो हमारे बुढ़ापे के ऊपर काम कर रही हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्लोव क्या करती है, यानी कि लौंग हमारी स्किन के ऊपर क्या करती है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सैगिंग हो रही है, फाइन लाइंस रिंकल्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, बुढ़ापा बहुत ज्यादा अगर आपको लगता है आपकी स्किन के ऊपर, उम्र से पहले आ गया है, एज से पहले आ गया है, आपकी एज कम है लेकिन झाइयां ज्यादा दिखाई दे रही हैं, तो क्लोव का सही यूज आपको जान लेना चाहिए। तो क्लोव क्या करेगा, क्लोव हमारे उसी बुढ़ापे के ऊपर काम करेगा, हमारे जो फाइन लाइंस और रिंकल्स की अपेयरेंस है उसको ये रिड्यूस करेगा धीरे धीरे, और स्किन को टाइट और फर्म करने में हेल्प करेगा। ऑलिव ऑयल मैंने लिया है 1 चम्मच और कोकोनट ऑयल मैंने लिया है 3 से 4 चम्मच। इसमें 15 दिन की रेमेडी के लिए आपको लेना है 1 चम्मच मेथी दाना और 4 क्लोव। उसको लेके आपने हल्की आंच पे इसको गर्म करना है, और जब आपकी झाग आ जाए तो आपको इस तरह से उसको हटा देना है, गैस एकदम बंद कर देना है, और हिलाते हिलाते इसको
ठंडा करना है। जितनी देर में ठंडा हो रहा है उतनी देर में पहले हम चल के ले लेते हैं स्टीम, क्योंकि स्टीम लेने से हमारे पोर्स ओपन हो जाएंगे और उसके बाद जब हम अपनी स्किन के ऊपर कोई भी क्रीम या रेमेडी लगाते हैं उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छे से मिलता है। 5 से 7 मिनट की अगर आप स्टीम ले लेंगे तो आपके पोर्स अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे और किसी गीले कपड़े के साथ में आपने अपने फेस को पोंछ लेना है। तब तक हम चल के देखते हैं हमारी क्रीम किस प्रकार से हमने बनानी है। तो ये ऑयल अभी करीब करीब ठंडा हो गया है तो इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं एक दूसरे से सुंदर से बाउल में। आप छानना चाहें तो आप छान सकते हैं, क्योंकि मेरे हाथ में छन्नी नहीं था तो मैंने ऐसे ही निकाल लिया, लेकिन बाद में मैंने ये मेथी के जो दाने हैं इनको मैंने निकाल के साइड में कर दिया है। आप चाहो तो किसी भी बॉटल में आप इसको बना सकते हैं, कांच की कोई भी क्रीम की आपके पास बॉटल खाली है आप उसमें डायरेक्ट इस क्रीम को बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया हमारे पास में 4 चीजों का एक्स्ट्रैक्ट, यानी कि ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल तेल, लौंग यानी कि क्लोव और उसके साथ में फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना का जितना भी एक्स्ट्रैक्ट हमें चाहिए हमारी इस क्रीम के लिए हमें मिल गया है। अब हम इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल। मार्केट वाला एलोवेरा जेल हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप इस क्रीम को लंबे टाइम के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको मार्केट वाला एलोवेरा ही इसमें यूज में लाना है। एलोवेरा जेल होना चाहिए मार्केट वाला, घर वाला एलोवेरा जेल जो होता है वो लंबे टाइम के लिए आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। साथ में हम इसमें डालेंगे जी कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी की प्रॉपर्टीज हैं आपकी स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को दूर करने की, कलर को ब्राइटन अप करने की। लेकिन अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है आप किचन की हल्दी चुटकी भर इसमें एड ऑन करिए। अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ जी ग्लिसरीन। अगर आपकी स्किन के ऊपर आप ग्लिसरीन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो वो अच्छे से फर्म हो जाए, मॉइस्चराइज हो जाए, तो आपको ग्लिसरीन ऐड करना है। ये ऑप्शनल है, अगर आपकी स्किन ऑलरेडी काफी ऑयली है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है सब चीजों को। वैसे तो ये चम्मच से होगा नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए, कोई भी एक ब्रश लेके रखना चाहिए स्पेशली क्रीम्स बनाने के लिए। अगर आप रेगुलर तौर पर DIYs बनाते हैं तो एक ब्रश आपको अपनी क्रीम के लिए अलग से रखना है। जी तो आपने देख ली क्रीम किस तरह से बनाई है, अब इसको लगाने का प्रोसेस। बालों से रिलेटेड अगर कोई वीडियो देखनी है आप आयाना गुड वाइफ को चले जाओ। एक से एक रेमेडी, एक से एक आपके बालों को फिक्स करने की है, बालों की ग्रोथ बढ़ानी है, डेंसिटी बढ़ानी है, बालों में कलर सुंदर सा देना है, बालों को हेल्दी बनाना है, स्कैल्प की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, जूओं लीकों की प्रॉब्लम है, आयाना गुड वाइब्स चैनल पर आपको जाना है। बालों से रिलेटेड वही मैं सारी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, यहाँ पर मैं स्किन केयर से रिलेटेड आपको बताती हूँ। तो ये क्रीम मैंने बना ली, लगाना तो जैसे आपने बताया मैं बता ही रही हूँ आपको, बहुत सिंपल है। बहुत ज्यादा क्रीम आपको नहीं लेनी है, आपको इसको लगाना कब है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको आपको रात को सोने से पहले तो एटलीस्ट लगाना ही लगाना है, बाकी अगर आप घर पर हैं, दिन में आप घर पर ही हैं तो आप इसको दिन में भी लगा सकते हैं। अब क्योंकि इसमें नारियल तेल डला है और ऐसी चीजें डली हैं जो हमारी स्किन के ऊपर थोड़ा सा आपको चिपचिपापन दे जाए, तो हो सके तो लगाने के बाद में हल्का सा टिश्यू के साथ में आप वाइप ऑफ कर दीजिएगा बाहर निकलने से पहले। वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपकी स्किन के अंदर अच्छे से चली जाएगी, क्योंकि आपकी स्किन का खाना ही है। तो आपका खाना आपकी स्किन जब खाएगी अपना तो ऑब्वियस है उसका रिजल्ट भी वो अच्छा देने वाली। तो इस तरीके से आपको इसको लगाना है, कोई बहुत ज्यादा मसाज अगड़म शगड़म नहीं करनी है, राउंड राउंड हाथ घुमाते घुमाते इतना कर लीजिएगा कि आपका मुंह जो है ना थोड़ा सा आपको गर्म लगने लगे। जब आपके फेस के ऊपर हीट आएगी इसका मतलब है आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो रहा है और जो भी आप क्रीम, जो भी आप पैक, जो भी रेमेडी आप लगाते हो उसको आपकी स्किन अब खा रही है। तो उसको एंजॉय करके खाने दीजिए और अच्छे से मसाज दीजिए अपने चेहरे पे। आशा करती हूँ आपको आज की रेमेडी पसंद आई होगी। जाने से पहले अभी फिर से याद दिला रही हूँ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस उनके साथ में जिनको की DIYs की भी जरूरत है, ठीक है जी। और जो मैंने शुरू में आपसे पूछा आप कहाँ से देख रहे हैं मेरे वीडियो को, प्लीज मेंशन जरूर करिएगा ताकि मैं देख सकूं कि मेरी फैमिली कहाँ तक एक्सपेंड हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, जहाँ शेयर करूंगी फिर से कोई अच्छी सी रेमेडी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।